12 अगस्त को हाफलंग पुलिस स्टेशन में विप्रोजित लंगथास ने एफआईआर दर्ज किया। उन्होंने एफआईआर में ये कहा है कि 12 अगस्त की सुबह 7:30 बजे उनके दुकान जो एजीपी ऑफिस के सामने है वहां कुछ लोगों ने आके उनके कर्मचारी सिपुसेन अहमद को जबरदस्ती उठा के सीएम गेस्ट हाउस लेके गए। विप्रोजित लंगथास ने उन लोग में से एक को आइडेंटिफाई किया है जिनका नाम है विराट लफ्थाई उर्फ कानन। एफआईआर में ये भी मेंशन किया गया है कि 31 जुलाई को 2 से 3 बजे के बीच दिमाओसा के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल गर्लोसा ने उनके दुकान में आया और उनके दुकान के लोगों को धमकाया भी था। ये पूरी बात को विप्रोजित लंगथासा ने एफआईआर में क्लियरली मेंशन किया है। विप्रोजित लंगथासा ने उस दिन कुछ ऐसा बयान दिया। तो आज सुबह में हमारा शॉप में आके लैपटॉप लोगों आके हमारा एम्प्लॉई लोगों को उठा के लेके गया तो हम लोग का सीएम गेस्ट हाउस में उधर में लोग को मारपीट करा हुआ लेकिन लोग डर से नहीं बोलता दुकान बंद करो ऐसे बोलता बोलता और कितना दिन आगे में भी खुद सीएम आई के 31 को 31 लास्ट मंथ में आई के उधर उनको खान पकड़ा के बैठाया या तो मिल डाउन कराया दुकान बंद करो ऐसे बोला होगा लेकिन उस दिन तो हम कुछ नहीं कराए थे बोलिए लेकिन आज तो उसको उठे के ले गए लेकिन जब लोग का रिस्क था कि हम भी बाउंड हुई कि हम भी पुलिस ने एक्सेप्ट दिया है वही हाँ वो आदमी जो आदमी आदमी उठे के एक जन को तो पहचाना बोला वो खानून बोल के बोलता होगा आदमी तो फोटो दिखाया ऐसे बोल के बोल रहे लेके जाने में भी आदमी लोगों देखने वाला भी है वो भी बोला है। इस घटना के एकमात्र आई विटनेस नीरेश नुनिसा ने कुछ इस तरह अपना बयान दिया। जो फंक्शन में हम लोग को जो देखा देखने तो बहुत बात करके पकड़ के लेके जाता है तो सिविल एक तो हाफ लॉन्ग पैंट लगाता है और एक तो चार्जर नहीं गया खाकी ड्रेस लगा के आ जाता है और लाठी लेके धूमधाम पीट के गाड़ी में उठा के लेके जाता है लेके जाके उसका बाद में फिर आधा घंटा बाद में उसको फुंसाई के लेके आए इधर फुंसाई दिया। हम लोग का जो ऐसे कनिष्ठ सब करप्शन हो जाएगा ना ऐसे करेगा कल को भी उसको मारेगा किसको इसे करेगा ऐसे उनसे आप लोग में क्या बेकार इसी करता है आप लोग माइबंग में भी नहीं होता हरंगजों में भी नहीं होता और इधर हाथी किलो में नहीं होता आप लोग में खाली खाली किसका दुकान करेगा उसको मारेगा इसको उठाएगा गुंडा रास्ते जैसे होगा ऐसे तो नहीं होगा ना हम लोग का तो मैंने हम लोग बुरी खाद में आया उसको फट फट उठाएंगे मारेगा नहीं होने से क्या करेगा कौन करेगा ऐसे तो नहीं होगा तो बिल्कुल यह करप्शन कर रहा है तो ठीक करने लगेगा ऐसे तो नहीं होगा। इस एफआईआर में पुलिस कुछ कार्रवाई करे उससे पहले कल कैंपरा वेलफेयर कमेटी की तरफ से दिमाहसाओ के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल गर्लोसा को एक एप्लीकेशन दिया और उस एप्लीकेशन में ये मांग किया है कि हाफलोंग के वीर दिमालिक स्टैचू के सामने मीट स्टॉल जो चल रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कैंपरा वेलफेयर कमेटी की तरफ से कुमुद कैंपराय ने क्या कहा। ऑल कैंपरा वेलफेयर कमेटी की तरफ से एक तो हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को एक कंप्लेंट लिखा था जो हम लोग को जो वीर देमालिक जो है वो हम लोग उन गया काल में सिर्फ उनका बर्थडे हिसाब में हम लोग मनाया उसको हम लोग पवित्र एक फिगर एक मानता है और उसको मूर्ति का सामना में अगर कोई मच्छी मांस ऐसा बिक्री करने से तो थोड़ा जगह ठूक खराब होता दिखने में भी और बाहर से भी आजकल तो बहुत तोड़ जाता तो इसलिए हम लोगों ने बोला जो अथॉरिटी को जो दुकान मतलब लाइसेंस कैंसिल करो ऐसा कोई बात नहीं मतलब कहीं भी लेके जाने से अच्छा होगा दूसरा आसपास में जितना दुकान है हम लोग तो कोई नहीं बोला जो ये दुकान को उठाओ ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला सिर्फ मच्छी मांस तो थोड़ा जहाँ में थोड़ा हम लोग जो पवित्र स्थान जहाँ मानता है उसमें तो कोई भी यूज़ नहीं करता तो इसलिए हम लोग अगर अथॉरिटी को किसको बोलेगा तो सीएम साहब को हम लोग ऐसा लिख के दिए। इसी बीच उस लोकेलिटी के मीट शॉपकीपर्स ने कुछ इस तरह अपना बयान दिया जिन्होंने उसमें हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ से मीट बाजार को शिफ्ट करने वाला नोटिस के ऊपर भी बयान दिया। लीगल नहीं है क्या अपना प्राइवेट है और पहले तो ये दुकान पहले लोकेशन दूसरा था अभी लोकेशन यहाँ है और कागज सब ठीक ही है ट्रेडिंग का लाइसेंस भी NOC भी अकाउंट में जो नया मार्केट खुला ना हमें जाने के लिए बोला था दूसरा लोग कोई नहीं दिया सिर्फ हम लोग जाने से तो कैसे होगा बिना इसके लिए दूसरा लोग जाने से हमें भी जाएगा ऐसे दूसरा लोग जाने से। इसी के साथ कल दिमाहसाओ के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल गर्लोसा ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने इस बयान में सिंडिकेट राज को बंद करने का प्रॉमिस दिया है। दिमालिक कैंपराय हम लोग उनका एक फ्रीडम फाइटर जैसा है हम लोग उसका पवित्र एक
वार हम लोग मान के आया है। तो इसी एरिया पे कल में मेरा एक दो आदमी भी यहाँ पे आके मैंने भेजा, तो आसपास में यहाँ पे मुर्गी बॉयलर चिकन उकन कुछ बिक्री कर रहे हैं, उसको मना किया हम लोग और पुलिस में भी कंप्लेन दिया है। और डिमालिक खेमप्रा स्टेशू का आसपास ही नहीं है, डिमा हासों में जितना भी स्टेशू है, नेशनल फ्रीडम फाइटर सुमदन पोंगलो का हो, रानीमा गाइडली का हो, वो अलग अलग जो स्टेशू होने से कोई आसपास में 100 फीट का अंदर आसपास में कोई भी मुर्गी बिक्री नहीं करेगा, कोई भी गंदा नहीं करेगा। इसलिए हम लोग काउंसिल में डिसीजन लिया है और करना भी नहीं देगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग जो रूल में है वो हम लोग एक्शन स्ट्रिक्टली लेगा। और डिमा हासाओ में टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए अभी का सरकार भी बहुत हम लोग को साथ दे रहा है, डेवलपमेंट में हो, अलग अलग स्कीम में हो। तो इसलिए डिमा हासाओ का हफलोंग में भी हम लोग जो एक गाइडलाइन रूल्स एक तो कुछ सुंदर साफ सुथरों रखने के लिए हम लोग कोशिश करेगा, उसमें हफलोंग का हो डिमा हासाओ को सब भी कोऑपरेट करने पड़ेगा। नहीं से तो हम लोग का टूरिज्म प्लेस इतना अच्छा जगह दुनिया से भगवान से देने वाला को हम लोग ये टूरिस्ट प्लेस बनाने हम लोग नहीं चाहेगा। इसलिए मंदिर में हो, चर्च में हो, वा मस्जिद में हो, जहाँ भी हो आसपास में कोई ऐसा हम लोग काम नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। कोई एक दो लड़का यहाँ पे ज़बरदस्ती अभी भी आप लोग देख सकता है मुर्गी बिक्री कर रहा है, वो गलत है। जहाँ मुर्गी बिक्री करने के लिए हम लोग टाउन कमेटी देता उसी जगह में करने से अच्छा रहेगा, हम लोग का बाउंड नहीं करेगा कि रूल में जो है वो हम लोग एक्शन लेने पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस माना नहीं करता हम लोग, कोई कोई दुकान देने के लिए माना नहीं करता, लेकिन जहाँ पे दुकान देता देने के लिए देता टाउन कमेटी से, वहाँ पे देने से अच्छा रहेगा। ये डिमा हासाओ का लिए बा नेशनल फ्रीडम फाइटर के लिए दूसरा लोग अलग अलग न्यूज़ चैनल में बसा सकता है, तालिबान स्टाइल बा अलग अलग स्टाइल बोल सकता है, कॉमेंट में बोल सकता है, लेकिन डिमा हासाओ का नेशनल फ्रीडम फाइटर, देश के नेशनल फ्रीडम फाइटर को हम जिस दूसरा लोग जो भी बोलो हमारा कुछ लेना देना नहीं, उन लोग को साफ सुथरा रखना है और अपना जगह को अच्छा से रखना है, वही है हम हफलोंग बाज़ार में अभी जो सिंडिकेट कर रहा है बाहर का लोग ले आके, यहाँ का कुछ लोग ने उसको सपोर्ट करने वाला लोग भी है। देखिए हफलोंग बाज़ार में आज का दिन में आलू अच्छा वाला नहीं मिलता है, हफलोंग बाज़ार में जो अंडा का दाम भी ज़्यादा है, तो वो सिंडिकेट को अभी सब ख़त्म कर देगा। एक दो उसमें कोई तकलीफ मिल सकता है, लेकिन डिमा हासाओ का लोग को, पब्लिक को लिए, गरीब आदमी लोग उनके लिए सुविधा और तकलीफ नहीं मिलने के लिए हम लोग काम करेगा। इसमें दूसरा लोग जो भी बोलना था बोलने दीजिए, मेरा कुछ लेना देना नहीं। डिमा हासाओ का जितना फ्रीडम फाइटर है, जितना हम लोग का मंदिर है, जितना हम लोग का यहाँ का चर्च है, जितना एक दो मस्जिद होने से भी मस्जिद को भी हम लोग यहाँ पे वो प्रोटेक्शन में रहेगा, सबको भी प्रोटेक्शन में रहेगा, समाज को भी। सिंडिकेट बंद करेगा ही करेगा, क्योंकि हफलोंग का जो लास्ट MLA इलेक्शन का आगे भी यहाँ का कुछ लोग हमको बोला है, हम उसको फुलफिल करने नहीं सका, इसलिए हम लोग इलेक्शन साइट हफलोंग एरिया में, हफलोंग कॉन्स्टिट्यूशन में हरा हो सकता है, हाँ उन लोग का प्रॉब्लम दूर कराने नहीं सका बोल के, वो भी रीज़न हो सकता है। इसलिए बाकी डिमा हासाओ में जीता है, इसलिए सिंडिकेट को हम लोग दूर करना है। सिंडिकेट जो अभी बना के रखा है, हम लोग FIR में भी नाम डाला है कुछ कुछ नाम को, वो लॉ एंड ऑर्डर वो लोग देखेगा। यहाँ पे एक ड्राई पीस जो हिडोल बोलता है यहाँ का लोकल लैंग्वेज से, ड्राई पीस में भी यहाँ पे सिंडिकेट हो रहा है, हाँ कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा है, हाँ। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उनका पार्टी का ऊपर में, हम लोग का सरकार के हम लोग का ऊपर में गिरता है, लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है हम लोग का पार्टी का वर्कर नहीं कर रहा है, हम लोग उनका लीडर नहीं कर रहा है, यहाँ का कुछ लीडर लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसा चलने दीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट भी चलना है, सब भी चलना है बोल के, लेकिन अभी ज़्यादा पब्लिक परेशान हो गई है, हाँ ज़्यादा। अभी देखिए आज का दिन में डिमालिक खेमप्राई का स्टेशू में बॉयलर मांस बिक्री कर देता, ज़बरदस्ती वो भी बिक्री करने मांगता, और फेसबुक में व्हाट्सअप में हमको दादागिरी बोलता है। आप लोग अभी देखिए कल में हम लोग मना किया एक CM होके, और उसका बाद में अभी 10-15 लड़का बैठ के वहाँ पे बॉयलर बिक्री करते हैं। कल परसों मस्जिद में ज़बरदस्ती सुअर मांस बिक्री करने से कैसे लगेगा, बात का बात हम लोग का मंदिर में ज़बरदस्ती गुरु मांस बिक्री करने से कैसा होगा, ऐसा माफी चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग FIR ऊपर डाला है। अभी हफलोंग बाजार को हम रिक्वेस्ट करता, महाजन लोग जितना भी है, कोई भी आप लोग का आलू लाने के लिए मना करता, कोई भी मच्छी लाने के लिए मना करता, कोई भी ब्रॉयलर मांस लाने के लिए मना करता, कोई भी आलू लाने के लिए मना करता,
कोई भी ड्राई फिश अगर ज़बरदस्ती माना खाता वो हमको कॉल करो और एसपी साहब को कॉल करो, एसपी साहब को वो भी एक्शन लेगा और उसी को बोलो हमको बोलो। एनी टाइम 24 घंटा आप लोग के साथ में हम रहेगा, 24 घंटा आप लोग हमारा फ़ोन मिलेगा, उसमें हम लोग एक्शन लेगा, हाँ उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जो यहाँ पे सिंडिकेट चल रहा है उसको जिससे भी उठाना आप लोग उसमें साथ में देना है। मिठाउन का लेक अभी हम लोग ब्यूटी फिक्शन के लिए लग रहा है, उसमें आप लोग सब भी साथ में देना है। आप लोग लेक को कोई गंदा नहीं करना है। अभी आप लोग ठावन थोड़ा सा तो सफा हुआ, आगे से बहुत सफा हुआ है ना, तो उसको हम लोग अकेला नहीं सहेगा, मेजोरिटी ई एम पी अकेला नहीं सहेगा और यहाँ का टाउन कमेटी भी नहीं सहेगा, सब आप लोग साथ में देना। तो अभी जो यहाँ पे मंडी जो सिस्टम से नियम से Vision Northeast TV, visioning every corner. Like, share, subscribe.